राष्ट्रीय जनता दल भेड़ चाल और भीड़ तंत्र की राजनीति करती है। कोई भी पार्टी जो नीति, नैतिकता, सिद्धांत, विचारधारा और संगठन की बुनियाद पर राजनीति करती हो, अपने कार्यकर्ताओं के साथ ऐसी बदतमीजी, ऐसी घटिया हरकत कभी नहीं करेगी। पटना महानगर राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष रामराज यादव को जिस तरीके से गाली दी गई, बेइज्जती की गई, नंगा करके पीटा गया, यह अपने आप में बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यही नहीं, इसके पहले भी रामकृपाल यादव हों, बृजनंदन यादव हों, धर्मेंद्र प्रसाद हों, सनोज यादव हों, विजय सिंह यादव हों, इसके अलावा राजकिशोर यादव हों, इन लोगों को जिस तरीके से इनका खून चूस के इनको दूध की मक्खी की तरह निकाल बाहर किया गया राष्ट्रीय जनता दल से, यह साबित करने के लिए काफ़ी है कि राष्ट्रीय जनता दल अपने परिवार को बचाने के लिए राजनीति की बलि चढ़ा सकती है, किसी भी नेता की बलि ले सकता है। और राष्ट्रीय जनता दल मूलतः परिवार की पार्टी है। ये संगठन विचारधारा की पार्टी होती तो कोई भी अपने देवतुल्य कार्यकर्ताओं के साथ क्या ऐसी हरकत करेगा? ये पहले भी ऐसा होता रहा है। और बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के जितने वरिष्ठ नेता हैं, कालांतर में वो सभी अपमानित होते रहे हैं और पार्टी से या तो वे खुद इस्तीफा दे चुके हैं या फिर निकाल बाहर किए गए हैं। पटना जिले का उदाहरण स्पष्ट है। पता नहीं पढ़े लिखे यादवों से, पटना जिले के यादवों से राष्ट्रीय जनता दल के शीर्ष नेतृत्व को क्या दुश्मनी है? देखिए, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री लालू प्रसाद यादव जी के पुत्र और हसनपुर के माननीय विधायक तेज प्रताप यादव जी के साथ अब तेजस्वी जी अत्याचार करवा रहे हैं। पहले अपने लोगों से उन्हें मंदबुद्धि, भक्चुनर और पता नहीं क्या क्या गालियां दिलवाई और अब फिर से एक साजिश के तहत उनको दल से बाहर निकालने की तैयारी कर रहे हैं। चीजें बहुत स्पष्ट है। पहले विधानसभा चुनाव के वक्त आपने देखा कि किस तरीके से लालू प्रसाद यादव जी को पोस्टर से बाहर कर दिया। फिर अभी कुछ दिन पहले रामनवमी के अवसर पर अपने एक नेता से पोस्टर लगाया और साफ तौर पे राबड़ी देवी जी की तस्वीर को हटा कर वहां पर अपनी पत्नी की तस्वीर लगाई और अब एक साजिश के तहत तेज प्रताप यादव जी को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। जो व्यक्ति परिवार के अंदर अत्याचार कर सकता है, अगर उसको बिहार का शासन मिल जाए तो वो क्या करेगा उसकी पांगी है। इसलिए आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से आग्रह है कि कम से कम तेज प्रताप जी वाले प्रकरण पर हस्तक्षेप करें, नहीं तो ये बिहार की राजनीति के लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि देश और राज्य चलाने के लिए अपोजिशन का मजबूत होना जरूरी है और अगर अपोजिशन तानाशाह हो जाएगा तो राज्य के लिए हालात ठीक नहीं होंगे। यादव समाज के झूठे हितैषी तेजस्वी यादव जी, क्या हो गया? पिछले 3 दिन बीत गए, आपके पार्टी के पदाधिकारी रामराज यादव पे बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने पिटाई कर दी, वीडियो बना डाला। वो लड़का आपके पार्टी दफ्तर पे दर दर भटक रहा है। आपके प्रदेश अध्यक्ष जगदा बाबू उससे मिलने को तैयार नहीं है, आप मिलने को तैयार नहीं है। कानून व्यवस्था पे तो आप बहुत सवाल उठाया करते हैं कि 24 घंटे बीत गए, 8 घंटे बीत गए, साहब 3 दिन बीत गए। आपके 10 नंबर में, आपके माता जी के आवास में ऐसा काम हुआ, फिर भी आज आपको लगता है कि कुछ नहीं हुआ। मीडिया पूछ रही तो आप कह रहे हैं मुझे जानकारी नहीं है, जांच कर रहा हूं। जांच क्या करना, वीडियो है, रामराज यादव है, आपके भाई है, सब कोई आपके सामने है। हिम्मत है तो कार्रवाई कीजिए, अन्यथा आगे से, आज के बाद से कानून व्यवस्था पे बोलने का हिम्मत मत कीजिएगा, क्योंकि अगर ये कार्रवाई नहीं हुई तो ये स्पष्ट होगा कि आप अपने परिवार और अपने पार्टी के लिए अलग कानून रखते हैं और विपक्ष के लिए अलग कानून रखते हैं।